Hi everyone, today we discuss about the development of male gametophyte. Let's start. तो सबसे पहले क्या होगा कि जो फर्स्ट सेल बनता है वो कौन सा होगा, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर कह लो या उसे इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट कह लो। अभी उसने मेच्योर होना है तो सबसे पहले कि जैसे कि ये सेल आप देख रहे हैं इसकी आउटर लेयर कौन सी होगी, एक्साइन और इनर होगी इंटाइन। जहाँ पर एक्साइन डिसकंटिन्यूज होगी दैट इज कॉल्ड जर्म पोर। दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर एंड इट इज द न्यूक्लियस। तो क्या है कि जो न्यूक्लियस होगा वो पहले सेंटर में होगा, फिर वैक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी, देन इट शिफ्ट टू द पेरिफेरी। तो जैसे जैसे वैक्यूल की फॉर्मेशन होगी और पॉलन ग्रेन की डेवलपमेंट चलेगी तो उस दौरान जो प्रोटोप्लाज्म होगा, ये जो प्रोटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इसे हम कंबाइंड फॉर्म में क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म टू सेल्स, वन इज जनरेटिव सेल एंड अदर इज अ वेजिटेटिव सेल। ये जो प्रोटोप्लाज्म था इसने अब माइटोटिकली डिवाइड हो चुका है तो यहाँ दो सेल बने। एक तो जो आप लार्ज सेल देख रहे हैं जो ब्लैक पोर्शन से मैंने मार्क किया है, साइटोप्लाज्म हो गया ये लार्ज सेल, तो वो तो हो गया वेजिटेटिव सेल। ठीक है जी, ये जो स्मॉल सेल होगा ये होगा जनरेटिव सेल। ठीक है जी, तो क्या होगा, जनरेटिव सेल के साइड में कैलोज वॉल की फॉर्मेशन होगी। जो कैलोज वॉल होगी उसका क्या उसमें रोल होगा कि वो जनरेटिव सेल को वेजिटेटिव सेल से सेपरेट करेगी। ठीक है जी, तो जो यहाँ पर कैलोज वॉल की डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, कैलोज वॉल है, तो बाद में जो ये कैलोज वॉल है ये डिसॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर दो सेल बन चुके हैं, एक तो लार्ज सेल बन चुका है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस को क्या कहेंगे हम, ट्यूब न्यूक्लियस, एंड दूसरा सेल कौन सा होगा, जनरेटिव। तो इसके आसपास कैलोज वॉल की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, जो ये आप देख रहे हैं ये वॉल, ठीक है, ये कौन सी वॉल होगी, कैलोज वॉल, दिस इज अ कैलोज वॉल। ठीक है जी, तो पहले दो सेल में डिवाइड हुआ, फिर कैलोज वॉल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी ताकि जो ये जनरेटिव सेल है ये दूसरे वेजिटेटिव सेल से सेपरेट हो सके। ठीक है जी, पहले कैलोज वॉल बनेगी जनरेटिव सेल की, बाद में वो डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर, तो यहाँ तक क्या हुआ कि दो में डिवाइड हो चुका है सेल, लार्ज कौन सा होगा, वेजिटेटिव सेल, इट इज अ लार्ज सेल, पहले भी हमने बात की है इसके बारे में, और जो स्मॉल सेल होगा वो कौन सा होगा, जनरेटिव सेल। ठीक है जी, तो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस, एंड कैलोज वॉल बाद में डिसॉल्व हो चुकी है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कैलोज वॉल डिसॉल्व हो गई, जो ट्यूब न्यूक्लियस था वो इरेगुलर हो चुका है, अमीबॉइड शेप में आ चुका है। तो अब हम इसकी लेबलिंग करेंगे, जो ये वाली स्ट्रक्चर्स होंगी दीज आर वैक्यूल्स, जो लार्ज सेल होगा दैट इज अ वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। ठीक है जी, इरेगुलर जो शेप में आपको दिख रहा है ये कौन सा सेल होगा, वेजिटेटिव सेल का ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है जी, जो रेड कलर में जो आप देख रहे हैं ये कौन सा होगा, जनरेटिव सेल। ठीक है जी, तो जहाँ तक हमने पहले भी किया हुआ है तो रिवाइज हो जाएगी इसी बार में। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर दो सेल बन चुके हैं। ठीक है जी, जो पॉलन ग्रेन है ये टू सेल स्टेज आ चुकी है, वन इज जनरेटिव एंड अदर इज द वेजिटेटिव सेल। तो टू सेल स्टेज होगी, अब क्या होगा, जो जो टू सेल स्टेज होगी इसमें भी पॉलिनेशन हो सकती है। 60% जो प्लांट्स होंगे उनमें जो पॉलिनेशन है वो टू सेल स्टेज में हो जाएगी, मतलब इसी स्टेज में पॉलिनेशन हो जाएगी। ठीक है जी, जो रिमेनिंग है 40% स्पीशीज एंजियोस्पर्म्स की, उसमें जो पॉलिनेशन है वो थ्री सेल स्टेज में होगी, मतलब ये दो सेल है ये अभी थ्री सेल में कन्वर्ट होगा फिर पॉलिनेशन होगी। ठीक है जी, कईयों में क्या होगा कि पॉलिनेशन पहले हो जाएगी थ्री सेल स्टेज बाद में आएगी। ठीक है, तो अब हम उनमें बात करेंगे, 60% जो प्लांट्स हैं जिनमें कि आफ्टर पॉलिनेशन डेवलपमेंट होगी उसे हम क्या कहेंगे, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। ठीक है जी, तो उसमें क्या होगा, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में जैसे कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करेगा, ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्ब करने के साथ इसकी पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो एक बात मैं और बता दूं कि जो पॉलन ट्यूब होती है दैट इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन, इंटाइन की ही एक्सटेंशन होती है पॉलन ट्यूब। व्हेन इट फॉल ऑन द स्टिग्मा इट ऑब्जॉर्ब न्यूट्रिशन और स्टार्ची सब्सटेंस फ्रॉम द स्टिग्मा
एंड जो जर्म पोर होगी, फ्रॉम जर्म पोर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब टेक्स प्लेस. क्लियर? तो जैसे कि जैसे है क्या है कि जैसे कि लैंड हुआ स्टिग्मा पे, न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करेगा स्टिग्मा से, तो जो इंटाइन है वो एक्सटेंड करेगी फ्रॉम जर्म पोर एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब टेक्स प्लेस. ठीक है जी, तो देख रहे हैं कि इंटाइन से पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो चुकी है, जिस टाइल से होती हुई सीधी कहां पर जाएगी, ओवरी में, जहां की गैमेट फिर फर्दर फर्टिलाइज होंगे. तो अब क्या है, टू सेल स्टेज होगी. ठीक है जी, जो ये वाला ट्यूब न्यूक्लियस है, ठीक है जी, जो सबसे आगे मूव करेगा, दैट इज अ ग्रोथ जोन, जो टिप पे होगा जी, ग्रोथ जोन होगा पॉलन ट्यूब का, क्योंकि यही क्या है, उसको एक्सटेंड करवा रहा है ओवरी तक. ठीक है जी, जब ये पॉलन ट्यूब स्टाइल में से एक्सटेंड करेगी, स्टाइल में से पास करेगी, वहाँ से भी ये नरिशमेंट लेगी, तो सबसे पहले अब क्या होगा कि ये वाला जो जनरेटिव सेल है और ये ट्यूब न्यूक्लियस है, तो सबसे आगे आगे कौन सा मूव करेगा, ट्यूब न्यूक्लियस. यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा वो कौन सा होगा, ट्यूब न्यूक्लियस. सबसे आगे ट्यूब न्यूक्लियस मूव करेगा. ये वाला जो रीजन होगा, ये काफ़ी ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म रिच रीजन होगा, एक्टिव साइटोप्लाज्म होगा यहाँ पर, दैट इज ट्यूब न्यूक्लियस. और यहाँ पर डेंस साइटोप्लाज्म होगा, डेंस साइटोप्लाज्म. ठीक है जी, तो सबसे पहले ट्यूब न्यूक्लियस मूव कर रहा है, उसके पीछे पीछे जो जेनेटिव सेल है वो मूव करेगा. जैसे ही वो यहाँ से पास करेगा, ठीक है जी, पॉलन ट्यूब से पास करेगा, उसी दौरान जेनेटिव सेल्स डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म टू मेल गैमेट्स. ठीक है जी, तो जो जेनेटिव सेल है ये दो सेल में फर्दर डिवाइड हो जाएगा, और दो सेल कौन से होंगे, दीज आर टू मेल गैमेट्स. तो अब यहाँ पर कितने स्टेज होगी, थ्री सेल स्टेज. ठीक है जी, एक वेजिटेटिव सेल और दो हो गए जी मेल गैमेट्स वाले सेल. ठीक है जी, यहाँ पर कैलोज प्लग प्रेजेंट होंगे. तो ये स्ट्रक्चर्स क्या होंगी, कैलोज प्लग्स. तो कैलोज प्लग्स क्या करेंगे, जो इनएक्टिव साइटोप्लाज्म और एक्टिव साइटोप्लाज्म है उनको सेपरेट करेंगे. तो अब इसको दोबारा देखिए कि जैसे ही स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आया, न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब करेगा, जर्म पोर से पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, और ट्यूब न्यूक्लियस आगे मूव करेगा. आगे आगे ट्यूब न्यूक्लियस है, ये वाला ग्रोथ टिप होगी, ग्रोथ जोन होगा इससे हम, और डेंस साइटोप्लाज्म होगा, वो भी एक्टिव साइटोप्लाज्म. यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होगा वो होगा इनएक्टिव साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स भी होंगे. साथ ही क्या होगा, जैसे ही अब ट्यूब न्यूक्लियस जाने के बाद जेनेटिव सेल पीछे पीछे मूव करेगा, मूव करने के दौरान ही जो जेनेटिव सेल है इट डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म टू सेल, दैट इज अ टू मेल गैमेट्स. ठीक है जी, तो ये दो मेल गैमेट्स हैं, इन्हीं की वजह से जो प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होगी वो कौन सी होगी, डबल फर्टिलाइजेशन. ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट्स पार्टिसिपेट करेंगे, ट्यूब न्यूक्लियस पार्टिसिपेट नहीं करेगा. तो ये कौन सी स्टेज होगी, थ्री सेल्ड स्टेज. तो ये कौन सी स्टेज है, थ्री सेल्ड स्टेज. एक ट्यूब न्यूक्लियस और दो मेल गैमेट्स, मतलब कह सकते हैं कि एक वेजिटेटिव सेल और दो मेल गैमेट्स के. ठीक है, ये कौन सा स्टेज होगी, टू सेल स्टेज. दिस इज अ टू सेल स्टेज एंड इट इज अ थ्री सेल स्टेज. ठीक है जी, क्लियर हो गया. तो क्या हो रहा है इसमें कि जो इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट था उसकी डेवलपमेंट. ठीक है जी, अगर इससे पहले की बात करें हम, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्रोसेस होगी ये होगी प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, और ये वाली जो प्रोसेस होगी ये होगी
पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, कि पॉलिनेशन से पहले पहले जो प्रोसेसेस होंगी वो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में आएंगी, जो उसके बाद की प्रोसेस होगी वो पोस्ट पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन हो चुकी है उसके बाद जो मेल गैमेट्स हैं वो बनेंगे जनरेटिव सेल से, ठीक है जी। और उससे पहले जो है दैट इज अ प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, ठीक है जी। तो वैक्यूल्स होंगे, ये कैलोज प्लग है जो सेपरेट कर रहे हैं इनएक्टिव और एक्टिव साइटोप्लाज्म को, दीज आर टू मेल गैमेट्स पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन एंड इट इज अ ट्यूब न्यूक्लियस। बाद में बात करेंगे कि ट्यूब न्यूक्लियस की भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। सो दैट्स ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इसी के साथ जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावरिंग प्लांट्स का वो ओवर हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अब नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज कार्पल और पिस्टल। थैंक यू, गुड बाय।